हमने और बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई गई है। राजस्थान के दर्शकों का मैसेज हो गया, राजस्थान के दर्शकों को ये है कि जरूर ये पिक्चर देखे। सर आज जो गाना है ये एक शादी का गाना है, सतीश देहरा जी ने बहुत ही खूबसूरत एक ट्यून बनाई है, सपना जी और संचिति इसको गा रही हैं, और ये एक ऐसे माहौल का गाना है जिसमें बेटी घर से विदा होती है, मायड थारी चिड़कली ये हमारी टाइटल है, और महेश जी शर्मा इसके डायरेक्टर फोटोग्राफर हैं, उन्होंने हमें अल्टीमेटम दिया था कि हमें 7 दिन में म्यूज़िक चाहिए। सिरोही में शूटिंग शुरू थी, हमने होली के कलर वाले दिन इसका गाना उदित नारायण को बुला के रिकॉर्ड किया, और अब 10 तारीख को म्यूज़िक रिलीज़ है, 14 तारीख को फिल्म रिलीज़ है, और आज गाना हो रहा है। ऐसी फिल्में लाइफ में बहुत कम आती हैं, मेरी ज़िंदगी में ये गिन के शायद राजस्थान की पहली है, दूसरी या तीसरी फिल्म होगी जो इस तरह से फास्ट बनी, बहुत अच्छी बनी। इसमें जितने गाने बने सब हटके हैं, और सतीश देहरा के साथ मैंने जितना अब तक काम किया है वो सब हिट हुआ है, ये भी हिट होगा। सर दर्शकों को नया देखने क्या मिलेगा? दर्शकों की दृष्टि नई चाहिए, हर फिल्म में नया होता है। सर कितने गाने आप लिख रहे हो? मैंने 8 गाने लिखे हैं इसमें। तो सर किस टाइप के गाने हैं? इसमें जिस टाइप के भी दर्शक होंगे, हर टाइप का गाना है, बुजुर्गों के लिए है, बच्चों के लिए है, लेडीज़ के लिए है, रोते हुए है, हंसते हुए है, खेलते हुए है, रोमांटिक है, भगवान की प्रार्थना है, जो सोशल सब्जेक्ट में हो सकता है उस तरह के सभी गीत हैं। छगन जी माली इसके प्रोड्यूसर हैं, वो सिरोही के रहने वाले हैं, और उनकी खास एक रिक्वेस्ट थी कि मेरे गांव का नाम जरूर आना चाहिए, तो उन्होंने बताई खासियत कि सिरोही की तलवार पूरे राजस्थान में मशहूर है, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि किस तरीके से सिरोही शब्द आए, और ऊपर वाले ने मेहर की कि दोनों गानों में मैंने सिरोही को निभाया। सर सिंगर में कौन कौन है सिंगर? सर इसमें उदित नारायण जी हैं, साधना सरगम है, पामिला जैन है, सपना जी हैं, संचिति है, सतीश देहरा जी ने जितने रोमांटिक गाने आज तक गाए हैं सबसे खूबसूरत इस फिल्म में गाए हैं, हीरो के सारे रोमांटिक गाने भाई ने ही गाए हैं।